डियर स्टूडेंट, मायसेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, जैसा कि आप जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। पहले भी हमने आपको वीडियो लेक्चर दे रखे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम लोग जो है ब्रायोफाइट्स का पॉलीट्रैकम लेंगे। ये दो पार्ट में हमने बनाया है। पार्ट फर्स्ट में हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया है और सेकेंड के अंदर रिप्रोडक्शन यानी कि किस तरह से नई जनरेशन पैदा होती है इसमें, उसको ध्यान दिया है। इस तरह से ये पॉलीट्रैकम आपका प्लांट है, या सीधे शब्दों में कहें तो जो ब्रायोफाइट्स की ग्रुप का ये मेंबर है, ये ऐसा नेचर में दिखाई देता है। अच्छा ब्यूटीफुल प्लांट दिखता है, ऐसे इसमें स्ट्रक्चर है क्योंकि कैप्सूल कहलाता है। अभी आगे डिस्क्रिप्शन आएगा, फिर इसको दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके समझ आएगा। यहाँ तक का मामला क्लासिफिकेशन का, और इस तरह से है डिवीजन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा क्लास ब्रायोफाइटा, ऑर्डर पॉलीट्राइकेलिस, फैमिली पॉलीट्राइकेसी, जीनस पॉलीट्राइकम। इस ब्रायोफाइट्स की क्लास में निम्न कैरेक्टर्स जो है पाए जाते हैं। द प्लांट्स हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ एक्सिस लीव्स एंड मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। लीव्स आर अरेंज इन 3 to 8 रोज ऑफ एक्सिस। जनरली लीफ इज द मिडरिब। सेक्स ऑर्गन्स आर टर्मिनल इन पोजिशन, जैसा कि अभी आपने ये डायग्राम में देखा ही। एंड डेवलप एट द टिप ऑफ द लीफी एक्सिस। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इंटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरेंजियम मास और आर्चिस्पोरियम डेवलप फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द एंडोथीसियम एंड कोलोमेला। कैप्सूल वॉल इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ क्लोरोफिल सेल्स एंड स्टोमेटा। जहाँ तक रहा मामला ऑर्डर, किस ऑर्डर के पॉलीट्राई, ये हमने दिए थे क्लासिकल ब्रायोफाइटा के, इसकी क्लास, इसके ऑर्डर पॉलीट्राइकल्स के जो है, जिसका मेंबर है, इसमें कैरेक्टर पाए जाते हैं जो कि इसमें भी हैं। द गैमेटोफाइट इज ए टॉल एंड पेरेनियल। लीव्स आर नैरो, लॉन्गिट्यूडिनल लैमेली आर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द मिडरिब। कैप्सूल इज इरेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, देखेगा इनमें। पेरिस्टोम अराइज फ्रॉम द सिंगल एनुअल सीरीज ऑफ सेल्स इन द इनर जोन ऑफ एम्फीथीसियम। द टिप ऑफ पेरिस्टोम टीथ आर जॉइंट अबाउट टू ए थिन मेम्ब्रेन। द कैप्सूल इज कुकुलेट और इधर ही स्मॉल और स्पाइनोज और हेवी। ये इसका इस तरह से वर्गीकरण है बच्चों, ब्रायोफाइटा, ब्राइडी, पॉलीट्राइकेलिस, पॉलीट्राइकेसी, पॉलीट्राइकम मेम्बर। इट इज़ ए लार्ज जीनस ऑफ अबाउट 100 स्पेसीज, इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, चीफली इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज। ओनली 4 स्पेसीज हैज बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। ये ऐसे लिखा जाता है ब्रॉल का नाम, तो इसके पेपर में इन्होंने ये इंडिकेट किया है, ये भी आप ध्यान रखें, लिखने का एक तरीका है। इस वैज्ञानिक का रिसर्च पेपर जो हम लास्ट में रेफरेंस में देते हैं, इसने रिपोर्ट किया है, तो इस तरह से लिखा जाता है। नेमली द पॉलीट्राइकम डेंसिफोलियम, पॉलीट्राइकम जेंथोफोलियम, ये इस तरह से पॉलीट्राइकम कम्युनिस कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। द जीनस ग्रोज ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम ड्राई वुडी पिटी मोर, डैम्प सोइल एंड सैंडी बैंक्स। ये इस तरह से है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। ये ऐसे राइजोइड्स हैं, इसमें इस राइजोम पे लगे हुए हैं, ये सेंटर एक्सिस कहलाता है और ये पत्तियाँ हैं, इस तरह की पत्तियाँ हैं। ये जब टीएस काट के देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे टर्मिनल सेल्स, अभी डिस्क्रिप्शन भी आएगा। ये लैमेली है, इस तरह से इसकी संरचना दिखाई दे। ये वाला पोर्शन जो मिडरिब का है, इस लीफ की ली करें, इसकी मिडरिब पोर्शन है इसका, ये वाला एरिया है, ये जो वीटीएस में दिखा है वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन में, ये ऐसे इसकी लाइफ साइकिल रहेगी जो भी आगे आएगी और ज़्यादा डिटेल में।
तरह से, इसको भी हम ये पढ़ रहे हैं इस पार्ट को कि कैसे ये इसकी संरचना रहती है। फिर आगे ये लगेगा आर्चिगोनियम एंथेरियम, देन फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पोर, आगे की जनरेशन ये चलेगी। इस तरह से ये स्ट्रक्चर के मैं देखा, अभी डिस्क्रिप्शन में भी लेंगे। ये राइजोइड्स हैं, ये स्टेम है, इस पर इस तरह की लीव्स लग रही है, ये सीटा कहलाता है, ये कैप्सूल कहलाता है, यहाँ से ये इस प्रोसेस में फ्री होते हैं। देख रहे हैं छोटे छोटे स्पोर्ट्स, इस तरह की संरचना है। ये देखिए बहुत अच्छा कलरफुल डायग्राम है। ये इसका एल एस है जिसमें संरचना स्थित है। वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ बता रहा है कि कैसे लीफ की संरचना है। कैसे क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स अरेंज है, स्क्लेरेनकाइम है, ये लोअर एपिडर्मिस का एरिया है। सब लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए लार्ज जीनस ऑफ अबाउट 100 स्पेसीज विच आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन बट मेनली फाउंड इन द कूल टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। पॉलीट्रैगम ग्रोज इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट सच एज द सैंडी ग्राउंड ऑन बैंक्स एंड लाई एंड स्टोनी प्लेसेज, ड्राईवुड मार्शी मूव्स, पीट बॉक्स एंड डैम्प सोइल्स अलोंग द मार्जिन ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। जहाँ तक रहा हमारा स्ट्रक्चर का, द गैमेटोफाइट ऑफ पॉलीट्राइकम इज डिफरेंटिएटेड इनटू द टू रीजन्स, द हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड राइजोम एंड द ब्रांच इरेक्ट लीफी स्टेम। द एरियल लीफी स्टेम में अटेन ए हाइट ऑफ अप टू 20 सेंटीमीटर एंड मोर इन द सम स्पेसीज। इन पॉलीट्राइकम कम्युनी बिटवीन द राइजोम पोर्शन एंड द अपर लीफी शूट ए ट्रांजिशनल मिडिल रीजन इज प्रेजेंट विच इज ब्राउन इन कलर एंड थ्री साइडेड एट द बेस and the lower side of the every 12th leaf bud initials are present throughout the axis. The leaves on the rhizome and the middle transitional region are brown or colorless and scaly. They are borne in three vertical rows with average of 1/3. The leaves on the aerial leafy shoots are relatively large, thick and rigid and are arranged on a stem in a complicated spiral manner. Each leaf has a broad, colorless, membranous, unistratus sheeting base, which narrow above into the limb, which is lanceolate to linear lanceolate. The limb is occupied mainly by a broad midrib and the rudimentary wing. The wing is developed slightly at the extreme margin of the limb, which is the entire to coarsely toothed. The midrib has close set of rows of longitudinal plates of the green tissue of 1 cell thick on its upper surface. These lamella are attached to the surface of the midrib by one edge. जहाँ तक रहा मामला राइजोइड्स का, these are numerous rhizoids borne on the rhizome of the gametophores. The rhizoids are long, thick-walled, multicellular and with oblique septa. The rhizoids coil around one another to form dense tangled mass looking like a badly twisted string. The water, besides passing through the lumen of the rhizoids, also passes upward through the wick-like strand of the rhizoids by external capillarity, and therefore many species of polytrichum are capable to live in relatively dry places. In species with such insufficient height, these strands of the rhizoids provide mechanical support also. Anatomy of the internal structure of subterranean rhizomes and the aerial leafy stem are different in anatomical feature. The rhizome is transverse section. The rhizome is triangular with round corner and slightly convex side, but many may be roughly circular in outline.
You can see epidermis on the outer side. This is the superficial layer of thin wall and thick wall or thick walled wall cells bearing a large number of rhizoids. Before the cortex is the below the superficial layer, two or three layers of the living cortical parenchyma. जहाँ तक रहा मामला रेडियल स्टेन का, दिस टिश्यू इज इंटरप्टेड अपोजिट द थ्री रीजन ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स ऑफ थ्री हाइपोडर्मल सेल्स. द सेल्स ऑफ द हाइपोडर्मल स्टेन्स आर डिस्टिंक्टली प्रोजेनकाइमेटस विद पॉइंटेड एंड्स. दे आर लिविंग सेल्स समटाइम्स कंटेनिंग स्टार्च पासिंग रेडियली इनवर्ड्स फ्रॉम द हाइपोडर्मल स्टेन. देयर आर सेल्स ऑफ द ग्रेटर डायमीटर बट विथ थिनर एंड लिग्निफाइड वॉल्स. दे शो नो शार्प लाइन ऑफ डिमार्केशन from those of the hypodermal strands and form together with a wedge shaped mass of tissue gradually narrowing inwards are called radial strands. Ab endodermis ko le at the inner limit of the it is the inner limit of cortex jaisa ki aap jante hain endo means inner. Radially elongated cells with thickening and subarization on the radial and longitudinal walls. This layer resembles the endodermis of roots but is discontinuous and consists of three arcs separated by a larger cells of radial strand. Pericycle in the most cases the three lobed central strand is surrounded by an interrupted pericycle composed of two to three layers of the cells. यहाँ तक रहा सेंट्रल सिलेंडर. द सेंट्रल सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ एन इनर कॉम्पैक्ट मास ऑफ टिश्यू विथ थ्री लेयर थ्री ब्रॉड प्रोजेक्टिंग रीजन्स एंड थ्री नैरोवर फ्यूरोज अपोजिट द एंगल्स. स्टीरियो द सेंट्रल मास कंसिस्टिंग मेनली ऑफ द वेरी थिक वॉल्ड कॉल्ड इलोंगेटेड लिविंग सेल ऑफन विद द ओब्लिक एंड एंड वॉल्स विद लिटिल स्टार. दीज आर स्टेरॉइड्स एज ए वॉल बींग कॉल्ड स्टेरियोम्स. हाइड्रियम्स का क्या है? स्केटेड अमंग दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अबाउट सेम डायमीटर बट क्वाइट डेस्टिट्यूट ऑफ कंटेंट. दीज आर ऑफन यूनाइटेड इन बैंड्स ऑफ टू और थ्री. द सेल्स ऑफ ईच बैंड बींग सेपरेटेड बाई एक्सट्रीमली डेलीकेट सेलुलोजिक वॉल विच आर रेडियली विद ओब्लिक वॉल्स ऑफ द सेल्स. फॉर दीज एलिमेंट विच आर एग्जैक्टली लाइक एंड कंटिन्यूस विद द सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ द एरियल स्टेम्स. These names are hydroids, the water conducting tissue, and as a whole being called the hydromes. यहाँ तक रहा मामला लेप्रोइड्स का. In the furo, the center of the bay is occupied by a group of 6 to 8 polygonal cells containing thick glandular content of the protein nature. These huge tube-like cells are called as the leptoids. संरचना रही जहाँ तक एरियल लीफी स्टेम की. The outline section is irregular and show the following structure: epidermis, cortex and pericycle. Obviously epidermis is the outermost layer. Then अंदर जो है वो cortex रहेगा ये इस तरह से. Then pericycle inside the cortex. फिर है leptomes. This is the internal tube. This is an irregular zone of typical sieve-like tube cell interrupted by starchy cell. It is equivalent to the phloem of vascular plants. इस तरह से इसकी ये संरचना रहेगी. जहाँ तक रहा हमारा सेंट्रल टिश्यू, ये फॉर्म बाय द लार्ज थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल. इसके अंदर स्केटर्ड हियर एंड देयर आर द स्मॉल ग्रुप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. इसमें ऐसे रहते हैं. इन पॉलीट्राइकम द विंग ऑफ लीव्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ हाइलाइन सेल्स एंड इन सम स्पेसीज दे आर बैंड्स ओवर द एसिमेट्रिक पोर्शन ऑफ द लीव. The water is then absorbed through the unthickened external walls which are generally to be found in the cells aggregated to the apex of the plant and the leaves and branches. The central conducting strand of the stem takes very little part, if any, the upward conduction of water. ये इसके abaxial surface जो होती है उसका मतलब होता है the side of lateral organs away from the axis. Acropetal development means towards the apex. जहाँ तक रहा adaxial side का, the side of lateral organ nearest to the main axis. Endocyte का मतलब होता है anthrozoid mother cells. Anthrozoid are the small motile amalgamates को कहते हैं. Apophysis is a swollen sterile tissue base of the capsule. Archegonium आप जानते हैं, फिर भी कई बार technically पूछ लिया जाता है, is the female sex organ of bryophyte.
आर्चिस्पोरियम कंफ्यूजिंग टर्म रहेगी, इससे मिलती जुलती है, यह होती है स्पोरोजीनस टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम विच यहाँ से स्पोर्स बनते हैं, अंतिम फिर डिराइव्ड होते हैं। क्लोरोफिलस का मतलब होता है जिनमें क्लोरोफिल होता है, उनको अपन क्लोरोफिलस सेल्स कहेंगे। ये इसकी इस तरह से लाइफ साइकिल रहेगी, ये मेल फीमेल एंथीडियम लेंगे, आर्चिगोनियम लेंगे, इसमें एक बनेगी फाइनली सेंथेरोजोइड बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, इस प्रक्रिया को सिनगेमी कहते हैं, फिर जाइगोट एम्ब्रियो स्पोरोगोनियम स्पोर मदर से रिडक्शन डिवीजन के बाद स्पोर्स और ये वापस थैलस। इस तरह से इस फेज को हमने गैमेटोफाइट नाम देते हैं और यहाँ वाली फेज स्पोरोफाइट है, जिससे इस तरह से दोनों का इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है। ये डायग्राम्स फॉर्म में है, वो स्केच में था। ये इस तरह से स्पोरोफाइट है जिसमें ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बना, दैट इज स्पोरोफाइट फेज, और जिस फेज ने गैमेट्स बनाए हैं जैसे स्पर्मोजोइट्स और एग सेल्स, तो ये वाली जो फेज आएगी दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ऐसे इनका पीढ़ी एकांतरण दोनों का इसमें देखा गया है। इस तरह से इसका ये थैलस है कि हमने पहले पढ़ा कैसे राइजोइड्स स्थित हैं, कैसे स्पोर बनेंगे जर्मिनेशन के बाद। ये वाला राइजोम की संरचना है, जो आप सेक्शन काटेंगे प्रैक्टिकल में जब भी आपको दिखेगी तो और ज़्यादा क्लियर होगी कि कैसे राइजोइड्स हैं, कॉर्टेक्स या हाइपोडर्मिस है, लेप्टोइड की संरचना क्या है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच में हम देखेंगे तो उसमें हमें और ज़्यादा ये क्लियर होगी। ये अलग अलग स्टेन मिलेंगे, ये सेल्स लाइट स्टेन कलर की रहेंगे, डार्क रहेंगी, तो उसमें और ज़्यादा आपके ये सामने समझ में आएगा। ये ऐसी संरचना है जो हमने शुरू में पढ़ा था कि गैमेटोफाइट की क्या संरचना है। ये बच्चों हायर क्लासेस के लिए बुक है, जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको इन बुक्स से पढ़ना रहेगा, पहले भी हमने लिखाई हैं और कई बार इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ भी ये आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक पढ़ी है, वो कहाँ से पब्लिश होती है, राइटर का नाम क्या है, बुक का क्या है और पब्लिशर का नाम क्या है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, आदर्श में रखें कि किस बुक से पढ़ा है, और जब लाइब्रेरी जाए तो इन किताबों को देखें। थैंक यू।